नंगा ना छोड़ा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से को ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूं, प्रशासन को देना चाहता हूं और खुले रूप से देना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमों के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है, केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दबो का मतदाता बिकने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समझ लें। किसकी गाड़ी ये? गाड़ी, ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहां के मंत्री है। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहां खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी।